भोपाल में 2 दिनों की छुट्टी के बाद कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है। लोग वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बाद ही फिलहाल अब वैक्सीनेशन की जा रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 4 बड़े महानगरों में ऑफलाइन वैक्सीन नहीं दी जा रही है। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। राजधानी में 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस वक्त हम भोपाल के सरस्वती शिशु मंदिर में मौजूद हैं, जिसे वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने पहुँचे हुए हैं, क्योंकि वैक्सीन ही एक कोरोना का रामबाण इलाज है। यहाँ पर हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर, वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं आप? हाँ, मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ, सेकेंड डोज। कितनी एज है आपकी? मेरी 67 ईयर्स की ओल्ड है। कहाँ से आए? मैं आया हूँ अशोका गार्डन। तो देखिए, यहाँ पर बाहर से भी लोग वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं। अशोका गार्डन से यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं, सेकंड डोज लगवा रहे हैं। मैम, 2 दिन के बाद आज वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया है? जी हाँ मैम। कल क्या सरकारी छुट्टी थी? हाँ, गवर्नमेंट हॉलीडे था कल। आज प्रॉपर वैक्सीनेशन चलेगा? हाँ, प्रॉपर वैक्सीनेशन चलेगा, स्लॉट के हिसाब से। जो भी टाइमिंग मैम 9 से 5 रहता है। तो देखिए, आज प्रॉपर वैक्सीनेशन का काम चलेगा। यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए एक वैक्सीन ही एक दवाई है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने, और लोगों से भी यही अपील है, क्योंकि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वैक्सीन लगवाएं। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाना है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ सदा हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल।